अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हरियाणा की संस्कृति और धरोहर को जानने के लिए तेलंगाना से 50 विद्यार्थियों का दल कल फरीदाबाद स्थित मानव रचना विश्वविद्यालय में पहुंचा। इस विश्वविद्यालय को तेलंगाना और हरियाणा के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए नोडल केंद्र के रूप में चुना गया है। आज इन विद्यार्थियों को वर्ष 1857 की क्रांति में शहीद हुए राजा नाहर सिंह के बल्लभगढ़ स्थित महल का भ्रमण करवाया गया और उन्हें राजा नाहर सिंह के जीवन से अवगत करवाया गया। विद्यार्थियों ने बताया कि राजा नाहर सिंह की जीवनी प्रेरणादायी है और सरकार द्वारा ऐसी धरोहरों की देखभाल और रखरखाव किया जाना प्रशंसनीय है। To see, and this is an ancient one, which gives more enthusiasm to visit than structure of the mahal, and which was very interesting. आज हम लोग ये ट्रिप पे आए हैं और यहाँ पे राजा नाहर सिंह के बारे में और उनके पास के बारे में हमने जाना कि उन वो अपने दरबार में कैसे बिठाते थे और जस्टिस, उनका जस्टिस सिस्टम हमने जाना, मतलब वो सब लोग दरबार में बैठते थे और बहुत कुछ सीखा। लाइक जब वो लोग फाइटिंग करते थे तो ये पैलेस उनको बचाती थी, लाइक ये सिक्योरिटी भी देती थी और इधर कैसे सब लोगों को इनका कल्चर कैसे थी। और ये छात्रों के दल में शामिल प्राध्यापकों ने बताया कि सरकार के प्रयासों से दो राज्यों की संस्कृतियों का आदान प्रदान हो रहा है और तेलंगाना के छात्र हरियाणा की संस्कृति, धरोहर, रहन सहन और खान पान से परिचित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी राजा नाहर सिंह के महल की खूबसूरती और इतिहास से काफी प्रभावित हुए हैं। Idea of the initiative is to understand the cultural integrity of our country on the whole, and to also understand the kind of people that we are, where have we come from, and what is the history. What a lot of people don't really know about the history of our own country, and a lot of people read history of Germany, history of French. So the government of India had taken this initiative to strengthen the nation, and Manav Rachna has joined hands with the project.